हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एक्स के पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है। चलिए आज हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक्स के पावर 0 बराबर 1 होता क्यों है। जैसे यहाँ देखिए, 1 के पावर अगर 0 है तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अगर 2 के पावर 0 है तो 1 होगा। -5 के पावर 0 है तभी 1 होगा। √2 के पावर 0 रहेगा, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 होता है। देखिए, 2/3 के पावर 0 है तभी इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। अगर यहाँ 1 क्या है, 0 के पावर 0 रहेगा तब बराबर में क्या होगा, 1 नहीं होगा। यह क्यों नहीं होगा वो भी हम बताएंगे। और 2/3 के पावर 0 है तो यह क्यों होता है, √2 के पावर 0 है तो यह क्यों होता है, यह सभी के बारे में आज हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि ऐसा हो क्यों होता है। कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर में 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यह 0 एक ऐसी संख्या है जिसको पावर में अगर 0 रहे तो उसका आंसर 1 नहीं होता है। तो चलिए हम इसका आज प्रूफ करके आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे होता है x के पावर m और बटा में क्या होता है, x के पावर n। अगर बेस समान रहे तो बटा में रहे तो उसको भाग में हम कैसे, इतना तो हम जानते हैं, x के पावर क्या होता है, m माइनस एन। इतना क्या होता है, यह तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि इतना तो हम जान रहे हैं कि x के पावर m बटा x के पावर n हो तो इसको हम x के पावर m माइनस n लिख सकते हैं, क्योंकि बेस समान रहता है भाग में तो पावर क्या होता है, घट जाता है, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, हम मानेंगे m बराबर n, माना इसको क्या किए हम, मान लिए m बराबर n, क्या किए, मान लिए। अब यहाँ देखिए x है, x के पावर क्या है, यहाँ m है और बटा क्या है, x के पावर यहाँ क्या है, n है। लेकिन यहाँ m बराबर हम n मान लिए तो क्या n के जगह पर हम m लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे m। फिर यहाँ देखिए x है, x पावर कितना है, यहाँ पर m है माइनस। अब फिर यहाँ देखिए m बराबर n माना, m के बराबर में n है तो यहाँ n के जगह पर क्या लिख लेंगे हम, m लिख लेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए कोई भी संख्या रहेगा, ये दोनों क्या सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा जैसे 2/2, अगर दोनों सेम संख्या रहे तो इसको काटते हैं तो क्या रहता है, 1 देता है। इसी तरह यह दोनों देखिए सेम संख्या है तो यह अगर कटेगा तो कितना देगा, 1 देगा। और यहाँ देखिए m में से m गया तो क्या होगा, x के पावर क्या होगा, 0 होगा। तो क्या होगा, x के पावर 0 बराबर क्या हो गया, 1। तो यही तो हम यहाँ बता रहे थे, यहाँ यही बताना था कि x के पावर अगर 0 रहेगा तो कितना होगा, 1 होगा। यह आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया, वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद एक यहाँ x के पावर 0 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कोई भी संख्या के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ हम बताए थे एक बात कि अगर 0 रहेगा तो 0 के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 नहीं होगा। यह क्यों नहीं होगा वह हम बताएंगे। x के पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है, यह तो हम आपको प्रूव करके दिखा दिए। लेकिन यहाँ पर हम यह चीज़ बताए थे कि अगर 0 के पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 नहीं होता है। यह क्यों नहीं होता है? इसके बारे में हम अब प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख लेंगे, हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, x के पावर m बटा x के पावर n, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर m माइनस n। इसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे हम m बराबर n, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। यह तो हम जानते हैं x के पावर m बटा x के पावर n हो तो इसको x के पावर m माइनस n लिख सकते हैं, यहाँ m बराबर n मान लिए। अब यहाँ देखो कहता है 0 के पावर 0 बराबर 1, तो यहाँ पर x के जगह क्या लिखेंगे, कोई संख्या दे सकते हैं। यहाँ पर देखो हमको 0 प्रूव करना है, यहाँ पर हम 0 लेंगे, 0 के पावर यहाँ क्या लेंगे, m लेंगे, और बटा फिर यहाँ क्या लेंगे, यहाँ x जब क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। 0 के पावर अब क्या लेंगे, यहाँ लिखे हैं m बराबर n,
यानी m के बराबर n है, यानी n के जगह पर हम m भी लिख सकते हैं, m ले लेंगे, बराबर यहाँ लिखेंगे फिर हम x, x के पावर कितना है यहाँ m है, x के जगह पर फिर यहाँ जीरो ले सकते हैं क्योंकि यहाँ जीरो लिए, यहाँ भी जीरो ले लेंगे हम, यहाँ जीरो ले लें, जीरो के पावर कितना होगा m, और फिर यहाँ n के जगह पर क्या लिखेंगे हम, m लिखेंगे। यहाँ देखिए जीरो के पावर m है, यानी जीरो के पावर m हो सकता है, m के जगह मान लो कोई संख्या लेंगे, एक दो तीन चार कुछ भी लेंगे, जैसे यहाँ देखिए जीरो, जीरो के पावर अगर एक होगा तो क्या देगा, जीरो देगा, जीरो के पावर अगर दो लिखेंगे तो क्या देगा, जीरो देगा, क्योंकि जीरो को कितना भी दो बार गुना करेंगे तो जीरो, जब जीरो के पावर यहाँ पर हम तीन भी लेंगे, जीरो के पावर अगर तीन लेंगे तो यह क्या करेंगे, जीरो गुने जीरो गुने जीरो, तो क्या होगा, जीरो देगा, तो यानी ये जीरो ही देगा, तो यहाँ देखो जीरो के पावर एम है तो क्या होगा, यह जीरो होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, यह जीरो होगा, यहाँ देखिए एम में से एम गया तो क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो में जीरो से अगर भाग करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अगर जीरो में हम जीरो से भाग करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट, जीरो में जीरो से भाग करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट, या जीरो का पावर क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जीरो के पावर जीरो बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि जीरो के पावर जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो चलिए हम जान गए कि यहाँ पर x के पावर अगर जीरो रहेगा, यहाँ देखा रहे हैं x के पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका आंसर क्या होता है, एक होता है, लेकिन यहाँ वही जो है जीरो के पावर अगर जीरो रहेगा तब उसका आंसर इनफाइनाइट होगा।